देखिए, कोविड का जो फैलाव था, जो संक्रमण था, वो पिछले सप्ताह यानी कि होली के बाद से लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन जो व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर जनपद प्रयागराज में की गई, उससे इस समय कोविड का जो संक्रमण है वो लगभग 1/4 हुई, माने 33 से 25% कम हो गया है। 35% यह लगभग पहले 2200-2400 आती थी, अब ये 600-500 के लगभग आ गई है। और इसको रोकने के लिए हम लोगों ने 3 तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है। सबसे पहली बात तो ये थी कि अधिक से अधिक लोगों को टेस्ट किया जाए, और जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको कंटेन किया जाए, उनको दवाएँ दी जाए, उनका उपचार किया जाए। सबसे बड़ी बात थी कि जिन लोगों को भी लक्षण मिल रहे थे कोविड के, उनको ट्रैक किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, फिर आइसोलेट किया जाए और उनकी दवा की जाए, और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी टेस्ट किया जाए, जो उनके परिजन थे, जो उनके संपर्की थे। लेकिन जो और दूसरी स्ट्रैटजी थी वो ये थी कि हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जिन लोगों को के घर में कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें। जो एक मोहल्ले में 2 या 3 से अधिक लोग हैं, उस मोहल्ले को चिन्हित करके उनको सील करने की कार्यवाही, कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्यवाही, कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ सारी दुकानें बंद करना, आवागमन रोकना, केवल आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की ही आवाजाही रहेगी, जैसे सफाई कर्मी हैं, दवा कर्मी हैं, या किराने के जो दूध, फल, ब्रेड, इन चीज़ों को ही केवल सप्लाई रहेगी, बाकी कोई भी सप्लाई वहाँ पर बाधित की गई। और इसके साथ लोगों को हमेशा इस बात के लिए आगाह किया गया कि यदि आपको लक्षण लगता है तो तुरंत दवा शुरू करिए, परीक्षण रिपोर्ट आती रहेगी, उसे देखिए, लेकिन दवाई लेट मत करिए, दवा की तत्काल शुरुआत कीजिए। और इससे ये असर हुआ कि जिन लोगों को लक्षण आ रहा है वो दवा करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, साथ साथ लोग आवाजाही कम किया है लोगों ने, सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू लगाया, आंशिक कर्फ्यू लगाया है, उसका भी असर ये रहा है कि लगभग पिछले शुक्रवार से ये लगातार चालू है और संडे तक है, सोमवार को चीज़ें खुलने की हैं, तो लगभग 9-10 दिनों में लोग घरों में रहे हैं, आवाजाही कम हुई है। इसका भी असर लग रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलने में रुका है। और इलाहाबाद शहर, अरे प्रयागराज की मैं बात करूं, तो प्रयागराज में जो एक घबराहट थी, जो पैनिक सिचुएशन थी, वो भी कम हुई है। और अब लोग ये समझ रहे हैं कि अगर उनको ज़रूरत होगी तो उनको दवा भी मिलेगी, बेड भी मिलेगा, और वो लोग खुद सचेत होकर के इस संक्रमण को रोकने में अपनी पूरी भागीदारी दे रहे हैं। और इससे ये लगता है कि हमारा शहर जल्दी ही कोरोना संक्रमण से बाहर आएगा। जो सबसे बड़ी बात थी कि एक तो लोग मास्क लगाएं 100%, इसको लेके चालान की कार्यवाही की जा रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में लगें, इसके लिए हम 188 के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार हम अनाउंस कर रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी जो 6 फीट की उसको मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, हो सके तो पब्लिक प्लेस पर डबल मास्क लगाइए। सब्जी मंडियों की चेकिंग हो रही है, दुकानों की चेकिंग हो रही है। इसी के साथ साथ इस आपदा में कुछ लोग जो आवश्यक दवाएं हैं, गैस के सिलेंडर हैं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थी उसको ब्लैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो जहाँ हम लोगों को सूचना मिली वहाँ रेड किया गया, तो सिलेंडर बरामद किए गए पास, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जो लोग रेमडेसिविर के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर की सप्लाई की बात कर रहे थे, उसमें मुकदमा कायम किया गया, उनको जेल भेजा गया। ऐसा हम आपके माध्यम से कहना चाहते, कुछ लोग दवाओं के भी दाम अधिक लेकर के बेच रहे हैं, उनको आगाह किया गया, उनको समझाया गया है, ड्रग एसोसिएशन की बैठक करके यदि कोई इस तरह की शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कल एक ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर होता है उसको बहुत अधिक रेट पे एक व्यक्ति बेच रहा था, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। इसी तरह से सैनिटाइज़र लोग अधिक रेट पे बेच रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है। हम लोगों को अभी आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और जो एक सीमा से बाहर जा कर के कालाबाजारी का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ़ मुकदमा लिख के उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि दोनों तरफ की स्ट्रेटजी है, एक समझाना और न मानने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। देहात क्षेत्र है, वहाँ पर हम अपनी गाड़ियों के में जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से जो हमारे लाउड हेलर्स हैं, जो हमारे चौकी इंचार्जों के पास, जो हमारे सिपाही लोगों के पास लाउड हेलर हैं, उसके माध्यम से ग्राम प्रधानों को प्रेरित करके, गाँव सभा में 1 या 2 हॉर्न लगा करके,
जो रिकॉर्डेड वायरस हैं एक जगह रिकॉर्ड करके, जो कोरोना को के बचाव की सावधानियां हैं, जो सैनिटाइजेशन की बात है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इन सब के बारे में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो गाड़ी है या जो लाउड हेलर है, जो हैंड जो अपने साथ लेकर के लोग घूम रहे हैं गांव में माइक लगा करके, पूरी जागरूकता पैदा की जा रही है जिससे कि कोरोना का संक्रमण गाँव में भी न फैले, क्योंकि अब गाँव भी इस इन्फेक्शन में आ रहे हैं। इसलिए अब जरूरी कि 5 दिन की ड्राइव सरकार ने चलाई है परसों से, और लगातार घर घर आशा बहुएँ और टीमें जा रही हैं, सर्विलांस टीम, जो भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनको ट्रैक किया, अलग किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग हो रही है, उनको दवा दी जा रही है, जिससे कि गांव का संक्रमण भी रुके। आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना को रोकने का एक ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो ये है कि सब लोग मास्क लगाएँ, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, जहाँ भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचें, और यदि आवश्यक है कहीं जाना भी है तो डबल मास्क लगा करके, दूरी बना करके। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कोरोना को लेके, यदि लक्षण आता है तो तत्काल समय से दवा की शुरुआत, दवा तुरंत शुरू करें, ये इंतज़ार न करें कि लक्षण जब हमारा टेस्ट आएगा, क्योंकि टेस्ट आने में हो सकता है 2 या 3 दिन लग जाए, तब तक उसका संक्रमण आपके चेस्ट में गले में हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी। तो जैसे ही लक्षण आते हैं दवा तत्काल शुरू की जाए, इसकी दवा सेट है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इसलिए मैं सभी से ये कहूँगा कि तत्काल समय से, जैसे ही लक्षण आता है, खांसी, जुकाम, फीवर, गले में खराश, खुश्की, चेस्ट में दर्द या पेन है, तो दवा की शुरुआत की जाए और टेस्ट आता है।